टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप विद द चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10th. हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो कि 4 चैप्टर हैं आपका क्लास 10th का उसको स्टार्ट करने वाले हैं. सो व्हाट डज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन, लेट अस सी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं. अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर द रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो वॉट इट इज़ ट्राइंग टू से इज कि ए दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी आर रियल नंबर. सो ये आपके सामने ये चीज़ कहना चाहते हैं. सो गाइस, आपको एक चीज़ सबसे पहले ये बता देती हूँ कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स चैप्टर हमने पढ़ा था. उसके अंदर हमने डिग्री की बात की थी. डिग्री में हमने बोला था कि अगर 1 है तो वो लीनियर बन जाती है, अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक बन जाती है. सो यही कॉन्सेप्ट डिग्री 2 का यहाँ से आया है. सो ये यही कहने की कोशिश करता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपकी डिग्री 2 की होती है. ओके सो आप अगर मान लीजिए पी एक्स ये पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये जो खाली पी एक्स है ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ओके गॉट इट. सो इसमें एक हम स्पेशल कंडीशन पढ़ रहे हैं कि ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ये क्यों? सो लेट अस सी इसके बारे में. अगर मान लीजिए आपको मैंने ये चीज़ बोली है अभी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो और ए की वैल्यू नॉट जीरो है, लेकिन वाई इस पे क्वेश्चन अराइज होता है. क्यों? क्यों का रीज़न लेट अस से कि हम मान लेते हैं ए ज़ीरो है. अगर ए ज़ीरो है तो ये क्या बन जाएगी हमारी, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो. सो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो. सो ये तो आपकी अब डिग्री कितनी हो गई है इस इक्वेशन की, इसकी डिग्री बन गई है 1 विच इज़ नॉट क्वाड्रेटिक. सो हम इसीलिए हमारी ये स्पेशल कंडीशन चलती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो. वन मोर थिंग इज देयर कि जब आप लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, तो आपके पास क्या आता है, इक्वेशन ऑफ लाइन आता है. लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो जब आप लीनियर को प्लॉट करते हैं तो आपके पास आती है लाइन ग्राफ पे. लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक को प्लॉट करेंगे तो आपके पास आएगा पैराबोला. ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था कि पैराबोला बनता है अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. सो ओके, बट इस चैप्टर में हम लोगों को पॉलिनोमियल्स के बारे में ग्राफ के बारे में नहीं पढ़ना है, तो वो हम नहीं करेंगे. हम इस चैप्टर में, अब मैं आपको चैप्टर का रिव्यू दे देती हूँ. इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग डील करने वाले हैं थोड़ा सा आपका फर्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी ये वो आपको डील करेगी. लाइक 4.1 जो है दैट इज़ गोइंग टू डील विद चेक क्वाड्रेटिक और नॉट. आपको क्वाड्रेटिक है या नहीं है ये चेक करना है फर्स्ट चीज़, और सेकंड चीज़ आपको फॉर्म क्वाड्रेटिक, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है. देन 4.2 4.3 एंड 4.4 में वी विल फाइंड रूट्स या फिर जीरोस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. बाय 3 मेथड्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट मेथड इज योर फैक्टराइजेशन मेथड, जहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर फैक्टर्स में तोड़ देंगे और उसको जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे. सेकंड आपके पास आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ठीक है, एंड थर्ड आपके पास आता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड. फर्स्ट मेथड ये आपने फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों सेकंड और थर्ड मेथड टोटली आपके न्यू हैं. फर्स्ट मेथड आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, वहाँ पे थोड़ा बहुत आप इसको जानते हैं, लेकिन ये न्यू बाकी जो दोनों मेथड्स हैं ये न्यू हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद 4.1. सो 4.1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं. 4.1 का आप क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट. आपको ये चेक करना है कि आपकी जो दोनों इक्वेशंस हैं, ये जो आपको हमने इक्वेशन दी हुई है चैप्टर इसमें पार्ट्स में, क्या ये क्वाड्रेटिक हैं या ये क्वाड्रेटिक नहीं है, आपको ये चीज़ पूछी गई है. अब आपको एक चीज़ पता है, क्वाड्रेटिक चेक करने के लिए मुझे सिंपल सा लॉजिक है. मुझे ये चेक करना है कि उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और डिग्री 2 होते ही आपको ये फिर आगे
बात करनी है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट जीरो, अगर ये सिचुएशन करेक्ट हो जाती है तो आपका काम बच जाता है, ठीक है। सो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर मैं डिस्कस करते हैं तो द क्वेश्चन इट सेज एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे कि ये तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है टू इंटू एक्स प्लस थ्री, और डायरेक्टली अज्यूम कर लेंगे कि एक्स की पावर यहाँ पे वन है यहाँ पे वन है तो ये लीनियर है। नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस। आपको क्या करना है कि आपको हर एक क्वेश्चन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म तक सॉल्व करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेके जाना है, एंड जो लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास आंसर आता है दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, सो लेट अस सी, लेट इसको सॉल्व करते हैं। आपको ए प्लस बी को होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता ही है, सो दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी प्लस टू इंटू ए इंटू बी, सो एक्स स्क्वायर प्लस वन टू इंटू एक्स इंटू वन। ओके, सो राइट साइड में भी हमने सॉल्व किया टू एक्स माइनस सिक्स, फर्दर इसको हमने सॉल्व किया एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, उधर से हम इधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो दिस इज दिस कैंसल्स आउट विद दिस, सो एक्स स्क्वायर वन प्लस सिक्स इज सेवन इज इक्वल्स टू जीरो एंड दिस इज दिस। ओके, सो यहाँ पे आप डिग्री क्या देख पा रहे हैं, आप डिग्री देख पा रहे हैं टू है, अगर डिग्री टू है और अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करने की कोशिश करती हूँ सो ए की वैल्यू आपके पास क्या जाती है वन, बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इज वन, x का कोफिशियंट कुछ भी नहीं है तो यानी कि x ही नहीं है तो उसका कोफिशियंट जीरो, और c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई सेवन। दिस इज इट, डन। सो वी आर डन विद दिस पार्ट, सो दिस यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन कम्स लेट अस से मैं रैंडमली दूसरा कोई पार्ट उठाती हूँ, सारे पार्ट्स मैं आपके साथ आज कवर नहीं करने वाली हूँ, आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा जो आपको डाउट्स हैं, लेकिन लेट अस से सेवन्थ पार्ट को अगर एक बार मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि सेवन्थ पार्ट क्या कहता है। इट सेज दैट सेवन्थ पार्ट इज x प्लस टू होल क्यूब इज इक्वल्स टू टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस इज इट। सो ए प्लस बी का होल क्यूब, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है मैं आपको बता देती हूँ। एक बात याद रखिए, अगर आप हर एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हुए फॉर्मूलेज लिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर्मूलेज को सॉल्व करने की, ठीक है। आपको याद करने की प्रॉब्लम, फॉर्मूलेज को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, बट यू हैव टू राइट फॉर्मूला विद ईच क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज एक्स क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर इंटू टू प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू टू स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। फर्दर सॉल्विंग दिस, दिस इज एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू टू ज फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व एक्स। ओके, प्लीज़ मेक श्योर अगर आपको कोई गलत लग रहा है तो, ठीक है। सो दिस इज शिफ्टिंग एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस एट माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब, दिस इज माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का कोई कंप्यूट नहीं हो रहा है तो सिक्स एक्स स्क्वायर ट्वेल्व प्लस टू इज फोर्टीन एक्स प्लस एट इज इक्वल्स टू जीरो। Here the highest power of x is 3, so the degree is 3, so it is cubic, degree 3 ko hum bolte hain cubic, it is not quadratic. Okay, I hope you got this. So similarly you can go for more parts like this only, aap baaki parts solve kijiye, agar aapko koi doubt hai comment section mein likh dijiye, main next time next videos mein aapko wo questions ko solve karke dunga, because it's आई गेस आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यू वॉन्ट बी वेरी मच क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार, देखिए ज़रा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो मैंने आपको यही बोला था स्टार्टिंग में कि एक टाइप आपके पास आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने का कि ये क्वाड्रेटिक है या ये क्वाड्रेटिक नहीं है, दूसरा आपके पास आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कीजिए, ठीक है। सो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस ओनली कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई एम सॉरी फॉर दिस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट को अगर हम पढ़ते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 528 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली रेक्टेंगल का एरिया दे दिया,
अनइक्वल विद ऑपोजिट साइड्स टू बी इक्वल एंड इसके पास आपके पास क्या होता है लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है, सो लेट अस सी, दिस इज योर रेक्टेंगल विद लेंथ एंड ब्रेथ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. सो हेयर वी आर गिवन विद द एरिया टू बी 528 meters square. चलो इतनी इन्फॉर्मेशन अब तक हमको पता चली है. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो लेंथ क्या है वो बोल रहे हैं, लेंथ जो है वो वन मोर देन यानी वन प्लस ट्वाइस द ब्रेथ ही आपकी आपको दिया हुआ है. यानी कि लेंथ जो है वो डिपेंड कर रही है ब्रेथ के ऊपर. सो अगर हम ब्रेथ को एक्स मान लेते हैं तो ब्रेथ को हम अगर एक्स मान लेते हैं सो मेरे पास लेंथ चेंज होगी, एक्स मीटर मान लेते हैं तो लेंथ मेरे पास चेंज होगी क्या आ जाएगी वन प्लस टू एक्स मीटर. गॉट इट, इतना समझ आ गया. सो लेट अस सी, अब इसको थोड़ा करेक्ट वे में लिखने की कोशिश करते हैं. इट सेज दैट लेट सॉरी नॉट लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स मीटर. सो लेंथ आपकी क्या बन जाएगी वन प्लस टू एक्स मीटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट डज क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन सेज टू यू लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया. यानी कि वन प्लस टू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एरिया इज 528. सो एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 528. सो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल्स टू जीरो. दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके सो वी आर डन विद हेयर. सिमिलरली यू कैन गो फॉर द क्वेश्चन नंबर टू. वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर. कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक लाइक टू है उसके बाद थ्री आ जाएगा, थ्री है तो उसके बाद जस्ट फोर आ जाएगा. सो इसमें अगर आप एक इंटीजर एक्स लेते हो तो दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन. ये आपके पास मैंने हिंट दे दी है. आई डिस्कस द मोर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड लक, स्टे होम एंड स्टे सेफ. प्लीज़ ट्राई